नियोको सीमेंट संयंत्र से सल्फर डाइऑक्साइड निकले के मामला बजट सत्र के दूसर दिन आज सदन में गुंजिस। जेसीसी विधायक प्रमोद शर्मा हाँ मामला उठात हुए कहिस के जब मैं ये प्रश्न लगायो तब संयंत्र के आसपास कुछ पाउडर के छिड़काव कराए गई। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल घलो संयंत्र क्षेत्र में बाढ़त दमा के मरीज ऊपर सवाल दागत हुए कहिस के नदिया मन प्रदूषित घलो हुआ थे। उन्हें सौरभ सिंह मामला में सवाल उठात हुए कहिस के केंद्र के गाइडलाइन के तहत जम्मो संयंत्र में एफजीडी लगाना है, अब तक कतका प्लांट में लगाए गए। मामला में धर्मजीत सिंह संयंत्र में निरीक्षण कराए के मांग रखिस। निरीक्षण करने वो चले जाएं और वहां की व्यवस्था से अगर वो देख के संतुष्ट होंगे तो कोई बात नहीं है, अगर व्यवस्था से असंतुष्ट हैं तो आपके प्रभाव से वो व्यवस्था ठीक हो जाएगी। तो इसमें कोई जिद्दी जिद्दा वाली बात नहीं है अध्यक्ष महोदय, आप तो यही बोल दीजिए कि तीन सदस्य जाके उसको देखेंगे, उसी जिले के लोगों को भेज दीजिए, किसी और को भेजने की जरूरत नहीं। उसमें आपकी पार्टी के भी कोई हो तो वो चले जाएं भाजपा के। माननीय अध्यक्ष महोदय, मॉनिटरिंग सिस्टम में जितना होना चाहिए उससे बहुत कम है और फिर अनावश्यक रूप से जांच की इस बात के लिए इसलिए सहमत नहीं। नहीं नहीं, निरीक्षण निरीक्षण करने के लिए, जांच के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जांच की मांग नहीं कर रहा, निरीक्षण की बात है। निरीक्षण बंद मत हो जाए, फिर विधानसभा बंद होगा तो हम जांच के लिए नहीं बोल रहे हैं अध्यक्ष जी, निरीक्षण तो करा दीजिए अध्यक्ष महोदय, हमारे ही प्रदेश के। चलिए आपकी मांग सुन लिया, हम निरीक्षण न कर सके मोहन, ये तो अच्छी बात है, निरीक्षण करा दीजिए मोहन मरकाम अध्यक्ष जी, करा दीजिए हर जगह नहीं हो रहा। आप आदेश, ये गंभीर विषय है, उस क्षेत्र के लोग दमा से पीड़ित हो रहे हैं और दमा से पीड़ित हो के कारण वहां पर ये होता है फैक्ट्रियों के द्वारा नदियों में भी प्रदूषित जल छोड़ा जाता है और नदियां प्रदूषित हो जाती है, हमारी खारून नदी प्रदूषित हो रही है। वहां इस तरह की समस्या नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो जहां की बात कर रहे हैं वहां कोई नदियां वदियां नहीं है, करते हैं क्योंकि वो खर्चा बहुत है, अनावश्यक तौर पे संसाधन खर्च करने वाले काम करते हैं वहां के लोग, कुछ नहीं है वहां पे। माननीय मंत्री महोदय जी, आपसे एक निवेदन है, मैं आपसे एक बार चर्चा किया था, आप ही बोले थे हमारी सरकार को आने दो प्रदूषण विभाग बंद कर दे। जो गड़बड़ करे उसको बंद करते हैं हम लोग, बिल्कुल रक्षा नहीं करते हैं। आप बोले थे, आपको याद होगा, इसको जानकारी से नहीं है, अपने तरफ से बोलना शुरू कर देता है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष निरीक्षण करने के लिए बोल रहे हैं भाई साहब, इतना अधिकार तो उस जिले के विधायकों को आप दिलवा दीजिए। चलिए जिले के विधायक, आपको भी बड़ा दिल दिखा के इनको भेज देना चाहिए दिखाने के लिए, क्या दिक्कत? पूरे देश में सबसे ज्यादा इंक्वायरी थोड़ी कमेटी बन रही है, बिल्कुल निरीक्षण इंस्पेक्शन। जहां हमारे लिए वो गौरव की बात है, वही हमारे लिए दुर्भाग्य है कि पूरा जिला इस शर्मा जी का प्रवचन चलता रहेगा सर, बाकी लोग का मोहन मरकाम जी का प्रस्ताव आ गया, अनुमति दी जा रही है। सौ सौ फीट गहरी खुदान खुल गई है, उसकी फिलिंग की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। अब इस प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि उनको दो बार नोटिस दिया गया, नोटिस का जवाब आया और हमने उसको नस्तीबद्ध कर दिया। अरे भाई, आपने अनियमितता पाई तो आपने नोटिस दी और नोटिस का जवाब आने के बाद आपने नस्तीबद्ध कर दिया। अगर अनियमितता पाई, आपने नोटिस दी है तो उस पर कोई कार्रवाई तो करना चाहिए, खाली जवाब लेकर नस्तीबद्ध कर दिया। विचार कर रहे ना वो, नहीं माननीय अध्यक्ष, इस पर आखिर आपको कार्रवाई तो करना था। मोहन मरकाम जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न उत्तर में शामिल नहीं होता। एफजीडी जो ये बोल रहे हैं ना, एफजीडी केंद्र सरकार का कोटियो प्रोटोकॉल के बाद 2022 तक सारे, ये तो छोटे संयंत्र की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के सारे थर्मल पावर प्लांटों में एफजीडी सल्फर डीसल्फराइजेशन लगाना है। और मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, कितने छत्तीसगढ़ के थर्मल पावर प्लांट में बेचते कितने छत्तीसगढ़ के थर्मल पावर प्लांटों में कितने छत्तीसगढ़ के थर्मल पावर प्लांटों में एफजीडी फ्यूल डीसल्फराइजेशन का यूनिट, ये छोटे यूनिट की बात कर रहे हैं भाई, सारे बड़े यूनिट। अभी समय है, अभी समय है, आप ध्यान कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं। मरकाम जी, अरे ये थोड़ा कठिन प्रश्न है, सिंह जी बहुत कठिन प्रश्न है, आपको समझ में सरकार का स्पष्ट निर्देश है 31/3/2022 तक। माननीय अध्यक्ष मरकाम जी, आप माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से
माननीय अध्यक्ष महोदय, सारण थर्मल पावर प्लांट बंद कराना है, ये छोटे की बात कर रहे थे, एग्जिस्टिंग जितने जवाब देने के लिए वो जवाब दे रहे हैं, आप उसे माननीय अध्यक्ष महोदय जवाब आप जवाब दे रहे एक मिनट बाजार की जनता अभी सुन रही है, अध्यक्ष महोदय लाइव टेलीकास्ट है, आप की तरफ भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, वहां जांच करने से कोई बिजली नहीं गिर जाएगी, आप सिर्फ जांच भी नहीं सिर्फ निरीक्षण करने की मैं बात कर रहा हूं, निरीक्षण करवा दीजिए, नियमित निरीक्षण होता है, नियमित निरीक्षण होता है, बता दीजिए ना इनको। अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ के नव निर्माण में उन लोगों का योगदान बहुत है। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस एफजीडी के बारे में आप जानकारी मांग रहे हैं तो उसमें एफजीडी की व्यवस्था वर्ष 2024 तक लगाने का समय दिया गया है। माननीय